काल भैरव को शिव जी का अंश माना जाता है। वे भोलेनाथ के पांचवे अवतार हैं। भैरव के दो स्वरूप हैं, एक पटुक भैरव जो शिव के बाल रूप में माने जाते हैं, ये सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं। वहीं दूसरे हैं काल भैरव जिन्हें दंड नायक माना गया है। अनिष्ट करने वालों को काल भैरव का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन जिस पर वो प्रसन्न हो जाए उसे किसी नकारात्मक शक्तियां, ऊपरी बाधाएं और भूत प्रेत जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। काल भैरव के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसको लेकर बहस छिड़ गई। सभी देवताओं को बुलाकर ये पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। देवताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसका समर्थन विष्णु जी और भगवान शिव ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके विपरीत शिव जी से अपशब्द कह दिए। भगवान शिव इस बात पर क्रोधित हो गए और उस क्रोध में अपने रूप में भैरव को जन्म दिया। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने भी क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के पांच मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास चार मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहते हैं। जानते हैं काल भैरव को प्रसन्न करने के उपाय। शास्त्रों में काल भैरव का वाहन कुत्ता माना गया है। कहा जाता है कि यदि काल भैरव को प्रसन्न करना है तो इनकी जयंती के दिन काले कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। वहीं जो इस दिन मध्य रात्रि में चौमुखी दीपक जलाकर भैरव चालीसा का पाठ करते हैं, उसके जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।